उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान होने से पहले ही क्या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में दरार आ गई है? क्या अखिलेश और जयंत की जोड़ी अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं दिखने वाली? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बड़ी जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे। अब आपको बताते हैं सहारनपुर में क्या हुआ। सहारनपुर में अखिलेश यादव के दो बड़े कार्यक्रम थे, एक था रोड शो का और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक तरफ जहां जनता के बीच जाना था तो दूसरी तरफ पत्रकारों से सीधी बात करनी थी। इन दोनों ही कार्यक्रमों में जयंत चौधरी मौजूद नहीं थे। राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ मौजूद नहीं होंगे। अब जबकि छोटी और स्थानीय पार्टियों की साथ लेने की मुहिम अखिलेश यादव चला रहे हैं, उसमें क्या उन्होंने या समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसे जयंत चौधरी नाराज हो गए और अखिलेश के साथ मंच साझा नहीं कर रहे? ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपने जारी बयान में क्या कहा। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जो बयान जारी हुआ उसमें इस दूरी का इशारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। पार्टी की ओर से कहा गया कि जयंत चौधरी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता अखिलेश यादव के भाषण स्थल पर मौजूद होंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच दूरी जरूर है, लेकिन अभी भी जयंत चौधरी और राष्ट्रीय दल उसका एहसास अखिलेश यादव को कराना चाहते हैं, ना कि गठबंधन को पूरी तरीके से तोड़ लेना। अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे में भले ही जयंत चौधरी उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक दूसरी राजनीतिक हस्ती थी। भीम आर्मी के चंद्रशेखर अखिलेश के साथ मंच पर थे। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चंद्रशेखर को मिल रही इतनी तवज्जो से जयंत को दिक्कत थी और इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव का साथ नहीं दिया। ये बात तो साफ है कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर दोनों की सियासी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में है। ऐसे में ये दोनों ही नहीं कहना चाहते कि उनमें से पश्चिम यूपी का नंबर दूसरा नेता कौन सा है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जो खबरें मीडिया में सामने आई, उन सब के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आमने सामने हैं और जयंत चौधरी इन इलाकों में लोगों के बीच कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने खुद को अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखाया। हालांकि कई इलाकों में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन भी है और संयुक्त उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन हाल ही में अपनी पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी होने का तमगा खो चुके जयंत चौधरी मुकाबले वाली सीटों में सपा से ज्यादा सीटें जीतने की इच्छा रखते हैं, जिससे एक तो इस गठबंधन में उनकी ताकत भी बढ़ेगी, दूसरा क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उनकी पार्टी का जो दावा है वो दोबारा मजबूत हो सकेगा। लेकिन जो बात समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकती है वो ये कि अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव से नाराज हैं तो 2024 के चुनावों से पहले यूपी में सियासी समीकरण बदल सकता है। राष्ट्रीय लोकदल, जिसका इतिहास है कि वो पहले भी बीजेपी के साथ चुनावों में जा चुका है, और अखिलेश यादव अगर जयंत चौधरी को संभाल नहीं सके तो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यूपी में समाजवादी पार्टियों की जो कोशिश है कि ढेर सारी छोटी पार्टियों को एक साथ लाया जाए और एक बड़ा कुनबा बनाया जाए, उस प्रयास को एक झटका लग सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से खुद को अलग कर चुकी है। अब अखिलेश यादव की ओर से डाली गई बिना जयंत चौधरी के सहारनपुर दौरे की तस्वीरें, जिसमें चंद्रशेखर तो नजर आ रहे हैं लेकिन जयंत चौधरी गायब हैं, क्या वो यूपी की नई सियासी तस्वीर है? इस बात का अंदाजा जैसे जैसे 2024 के चुनाव पास आएंगे हमको लगता जाएगा, लेकिन इशारों में काफी कुछ कहा जा रहा है।